गणेश ऑन अ इंडोर, हमें नहीं पता शिवजी थे कि नहीं थे, गणेश जी थे कि नहीं थे, पर स्टोरीज जो होती हैं उसका मतलब होता है कुछ। आज भी आप सबको याद होगा, एक कौआ था, वो कंकड़ थे, वो पानी डाला तो पी के चला गया, जहाँ चाह वहाँ राह, हमें वो मोरल्स याद रहते हैं। वो चार, एक किसान था, उसके चार बच्चे थे, लकड़ियाँ दे दी, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। तो कहानियाँ हमें कुछ कुछ सुना के जाती हैं, कुछ समझा के जाती हैं। तो शायद वो कहानी ये कहती है कि जब शिव जी वहाँ पर आए, गणेश जी बाहर बैठे थे, तो जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ, तो लोगों ने कह दिया जी जो गणेश जी हैं ना वो शिव जी के वहाँ बाहर बैठे थे, तो अगर आपके घर के बाहर बैठेंगे तो आपका तो घर गया, पति पत्नी की लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे 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 कुछ कहानियाँ चल रही, जो भी उसके पीछे रीजन्स हों, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सो हर व्यक्ति की अपनी अप्रोच है, कोई कह रहा है जी होने चाहिए, कोई कहता नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज़ है, ऑब्वियस है कि गणेश द्वारपाल नहीं है, प्रमुख देवता है, क्योंकि जब उन्होंने चेतना के, शिव और शक्ति के, क्योंकि शिव जो हैं हमारे चेतन अवचेतन मन के सुप्रीम लॉर्ड हैं, और गणेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं बीइंग अ गुड लिसनर, जो लिसनर है वही चेतना को एक्टिवेट कर सकता है। आपका अवचेतन मन, आपका जो चेतन और अवचेतन मन है वो इसके द्वारा मेजरली एक्टिवेट होता है। आपके बारे में आपको कौन सी साउंड सुन रही है, वो साउंड आपके यहाँ पर रिएक्ट करती है, देखना बाद में आता है। तो हाथी की स्पेशलिटी होती है ये, आपको अगर पता हो हाथी 12-15 किलोमीटर दूर से कम्युनिकेट कर लेता है, इसलिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी सिटी में एक हाथी है, अगर हथनी को लेके जाना है तो उसको 10-15 किलोमीटर दूर से लेके जाते हैं, हाथी की हियरिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है। तो शायद उस चीज़ को ऐसे लिंक किया गया कि गणेश प्रमुख देवता हैं तो बी ए गुड लिसनर। तो मोटा मोटा हम ये करें, हम इन कॉम्प्लिकेशन में जाने के बजाय, पहली बात तो ये पक्की है कि गणेश जी को बाहर लगाने से स्पेशल पैसे नहीं आने वाले आपको, और गणेश जी का श्राप भी नहीं लगने वाला। वो गणेश जी को गणेश जी की पीठ लगा के बैठ जाओगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला। आप गणेश जी को अंदर रखो, और घर में मूर्तियाँ कम रखो, लिमिटेड मूर्तियाँ रखो, जिस भगवान के प्रति आपकी आस्था है, अल्लाह के प्रति है, भगवान के प्रति है, जीसस के प्रति है, गौतम बुद्ध के प्रति है, उसमें आस्था रखो, और कम मूर्तियाँ रखो, और जितनी रखो उसको साफ करके रखो, कपड़ा मार के रखो, फालतू के कैलेंडर मत इकट्ठे करो। और बाहर जो है वहाँ सिर्फ आप प्रतीकात्मक सिंबल्स लगाओ, आप स्वास्तिक लगाइए, आप ओम लगाइए, आप अल्लाह लिखिए, आप जीसस का क्रॉस लगाइए, जिस धर्म के प्रति आपकी आस्था है उसका मेजर सिंबल लगा लीजिए, और वो सिंबल में एक्चुअल में पावर होती है। गणेश जी की मूर्ति में पावर जब आएगी तब आएगी, पर वो सिंबल तो चार्ज है ना। अगर हम, जो मैं आपको सीक्रेट सोसाइटीज का फंडा बता रहा था 66 का, उसमें तो सिम्बोलॉजी पे काम हुआ सारा, सिम्बोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे। तो सिंबल्स जो हैं वो न्यूमरोलॉजी के पार्ट है। तो आप किसी भी धर्म का वो सिंबल लगा दो, स्वास्तिक, एक ओंकार, जिसको आप फॉलो करते हो, आपकी एंट्रेंस जरूर एनर्जाइज हो जाएगी उससे।